कि मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा। आइसक्रीम खाई जा रही है कि मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है तुमने? दाढ़ी दाढ़ी का बीमार पड़ गया तुम अब। बहुत अच्छा लग रहा है गांव में आकर, पुराने दोस्तों से मिला हूं। ऐसे इस तरीके से ये आवाज आ रही है, ऐसे देखते हैं ये पका है या कच्चा है। इसको हमने अनबॉक्स किया है और वास्तव में मीठा निकल रहा है यार। ये तो ये बुज्जी है, बुज्जी इसमें कंडे हैं, कंडे। थोड़े कच्चे हैं ये देखिए, तरबूजे की थोड़ा ही। अच्छा एक बार आवाज लगाओ। ये सरसों से तेल बनाने की मशीन है, बेबी कॉर्न मक्का है ये इसमें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा, और आज मैं अपने गांव जा रहा हूं। लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र है, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें जाने में। तो हम निकलते हैं और गांव पहुंचकर आपको दिखाएंगे आम का पेड़, तरबूज और बेबी कॉर्न, मक्का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हम निकल रहे हैं, मिल रहे हैं आपको। अभी हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और गर्मी बहुत है, मैं तो काला भी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हाफ बाजू की शर्ट पहन के आया था। ये देखिए अब यहाँ से और यहाँ से देखो कितना कलर चेंज हो गया मेरा। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से टूंडला जाएंगे, टूंडला से फिर हम सीधे गाँव जाएंगे। हम लोग टूंडला पहुँच गए हैं और ये आइसक्रीम खाई जा रही है, हीरा लाल की आइसक्रीम। आप भी टूंडला आए तो ज़रूर खाना। अब यहाँ से लगभग हमको 35 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जब जाकर हम गाँव पहुँचेंगे। फिलहाल हम आइसक्रीम खाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तरबूज वगैरह की खेती और बेबी कॉर्न मक्का जिसकी सब्जी बनती है और आम के पेड़। मतलब वैसे तो आपने देखा होगा बट फिर भी दिखाएंगे हम आए गाँव में तो। और ये देखिए ये बरगद का पेड़ है ना, ये जब मैं छोटा था ना तब ये पापा ने लगाया था यहाँ पर, और अब देखिए कितना बड़ा हो गया। देखो ये देखो कितना बड़ा हो गया है। और ये बुग्गी है अपनी जिसको चाचा चलाते हैं, और ये अपना प्लॉट है, ये मशीन है चारा काटने की और वगैरह वगैरह। और चाचा जी प्रणाम, ठीक है। और ये हमारे चाचा हैं छोटे वाले, ये घूंघट ओढ़ के घूम रहे हैं अभी। और अब कल तक रुकेंगे तो मस्ती करेंगे यहाँ पर। तरबूज ले लिए, एक खेत तो बिक गया है, और ये बारी खरीद रहे हैं हम। बारी ले लिए चाचा ने और तरबूज बेच रहे हैं। चक तरबूज खाने हो तो आ जाओ भाई सब लोग गाँव। एक खेत में खत्म हो गया, दूसरा खेत ले लिया। चलो सही है फिर तो। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बाबा है, ग्रैंड फादर सुनतना है। सुनाई ना देवा अब तुम्हें, सुनाई ना देवा। हाँ। अच्छा जोरे तो बैठ का सुनो। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है तुमने? दाढ़ी दाढ़ी का बीमार पड़ गया तुम अब। तीसरे दिन को बनावे दाढ़ी, अड्डे पे बनावे जाना पे चला जाते ना। अच्छा अब बाबा जी बनेंगे अब तुम दाढ़ी ओढ़ी करके? हैं अब का बाबा जी दाता ही है वैसे। सही है। तो गाइस ये दादाजी हैं, आपने कुंभ वाली वीडियो में इनको देखा होगा। अभी थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आया हूँ मैं इधर, थोड़ा मार्केट है उधर आया हूँ। गांव के लोग यहीं पे ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप। और इस समय मैं रोड पर खड़ा हूँ, और वैसे आज संडे है तो यहाँ पे लॉकडाउन है, लोग शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन रहता है, लेकिन यहाँ पे गाँव है तो गाँव में ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है लॉकडाउन का। और बहुत अच्छा लग रहा है गाँव में आकर, पुराने दोस्तों से मिला हूँ, बहुत खुशी है। और अभी तो बहुत सारी मस्ती करना बाकी है, तो अभी फ़िलहाल मैं शॉपिंग कर लूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो गाइस तो मैं तरबूज के खेत में आया हूँ। यहाँ आप लोग देखिए कितने छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरीके के तरबूज हैं यहाँ। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, और ऐसे इस तरीके से ये आवाज़ आ रही है, ऐसे देखते हैं ये पका है या कच्चा है, पर मुझे ये सब देखना आता नहीं है। और वो मेरा फ्रेंड है, वो तोड़ के ला रहा है तरबूज अभी जो खाने के लिए, और बाकी मैं तो सैर कर रहा हूँ
तरबूज की खेती में, आप लोग देखिए। और काफ़ी अच्छा लगता है यार गांव में आके, पर यह है ना कि यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते। हाँ, एक दिन से ज़्यादा अगर रहे कोई भी रहेगा शहर का आकर के, तो फिर वो बोर हो जाएगा। वैसे बाकी सब गांव में अच्छा ही होता है, खाना पीना सब कुछ, बट क्या है ना कि मन नहीं लगता है यहाँ पर गाँव में। और अब तो लाइट भी सही आती है। बाकी आप लोग देखिए, ये तरबूज का ही खेत है पूरा, बहुत सारे तरबूज पड़े हुए इसमें और वहाँ तक हो रहा है। जितना भी ये ऊपर वाला खेत है इसमें भी तरबूज ही है। और ये नहीं फ्रेंड लंगोटिया यार, अंडरवेयर फ्रेंड बचपन का, इसने ये तरबूज कुछ इकट्ठे किए हैं साथ ले जाने के लिए, जो कि हम अभी जा करके खाएंगे। गाइस, छोटा सा तरबूज ये तोड़ा है हमने, ये देखिए, ये है छोटा सा तरबूज। और अभी क्या है, और आप लोग देखिए कैसा निकला है इसमें। अब मैं इसको वास्तव में मीठा निकला है यार, ये तो छोटा सा मीठा लग रहा है, काफी मीठा है। ये बुज्जी है, बुज्जी इसमें कंडे हैं, कंडे जो कंडे नहीं होते हैं, जो गांव में गाय के भैंस के गोबर से जो बनाए जाते हैं उबले, इनमें हैं। ये देखिए गांव में इनको बनाते हैं इस तरीके से, और फिर इस पे ये जो फूस होता है, फूस इसको बोलते हैं, फूस इससे इसको ढक देते हैं, और साइडों से इसको एक फूस का ही एक रस्सी बना के इसको चारों तरफ से लपेट के अच्छी तरह से बांध देते हैं। इससे क्या होता है कि बारिश से इनका बचाव हो जाता है और आंधी में उड़ता भी नहीं है। तो ये गाँव की साइंस है। दूसरे दिन का सुबह हो गया है और गाँव में मेरा दूसरा दिन है, काफ़ी लेट तक सोया, अभी फ्रेश होके आया हूँ। और ये गांव का देसी कोलगेट, हाँ टूथपेस्ट, और ये मैं कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा खेतों की साइड जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ा टहलना चाहिए। और वहाँ पे चाचा जी हैं जो कि बुग्गी में तरबूज लोड कर रहे हैं, क्योंकि बेचने के लिए जाएँगे, खेत में पड़े पड़े सड़ जाएँगे, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा। तो दिखाते हैं, हम चलते हैं आगे। और और ये है मैंगो ट्री, आम का पेड़, अभी आम थोड़े कच्चे हैं ये देखिए। और ये गांव में अभी पकते नहीं है, ये दशहरे से पहले नहीं पकेंगे। और इनमें अलग अलग ब्रांडेड के ये आम होते हैं, जैसे कुछ तो अचार वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, हर तरीके के होते हैं। अभी फ़िलहाल ये कच्चे हैं, खाने लायक नहीं है। इनका अचार पड़ेगा, जब टूटेंगे ये फिर इनका अचार पड़ेगा। आंधी वगैरह ज़्यादा आई है तो इस वजह से आम टूट गए हैं, अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, तरबूजे की तुड़ाई। और चाचा तुड़ाई चल रही है, और तुम बताओ अपने हाल। उनके तो बढ़िया, वो तो सो गए चक्का आराम से। तुम बताओ, तुम्हारे घर में तो आवाज आ रही थी रात को, हैं? चाची से लड़ाई हो रही थी क्या? नहीं, नहीं हो रही थी, चलो बढ़िया है, सो गए तुम। तो गाइस ये तरबूज तोड़े जा रहे हैं, अभी ये बुग्गी में लोड करेंगे, उसके बाद में ये बेचने के लिए जाएंगे। देखिए, अच्छा एक बार आवाज लगाओ, हाँ भाई साहब, कैर पकलो, चल रहा तरबूज, 15 रुपए धरी है भैया। अच्छा चलो सही है, ये बुग्गी लोड हो गई है, गंगा तलाई का माल है ये। और चले अब ये लोग 10-11 बजे तक फ्री होकर के आएंगे, उसके बाद में ही हमको मिल पाएंगे ये लोग। जब तक मैं नहा धो के तैयार होके आराम करूंगा घर पर। चलो गाइस,
मैं गांव के पास ही एक दूसरा गांव है वहां पर मैं आया हुआ हूं अभी फिलहाल। और जो सरसों होती है, जो खाने वाला तेल होता है सरसों का, उसको निकलवाने के लिए आया हूं, यानी कि सरसों को फिरवाने के लिए आया हूं। ग्रामीण भाषा में जो कोलू बोलते हैं ना, कोलू पे आया हूं, क्योंकि सरसों को फिरवा के उसमें से तेल निकलता है, उसको निकलवाने के लिए आया हूँ। और ये अभिषेक भाई साहब हमारे साथ में है, चाचा का लड़का है छोटा। अरे इधर देख दोस्तों, हेलो बोल। तो अभी थोड़ी देर में निकलवाते हैं, फिर हम घर जाएंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये सरसों से तेल बनाने की मशीन है, ये देखिए तेल बन रहा है, सरसों ऊपर से जा रही है इसके अंदर, और एक साइड से जो वेस्टेज होता है ये वो सरसों का वो निकल रहा है, और नीचे गट्टी में तेल निकल रहा है। ये है बेबी कॉर्न मक्का है, ये इसमें ये पिज्जा वगैरह और जो भी फास्ट फूड होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ये इस तरीके से, ये इसमें दाने नहीं पड़ते हैं, खाली ये जो होता है अंदर का इसका, ये देखिए इसी को खाते हैं। बाकी तो सब दाने वाली मक्का अलग होती है और ये अलग है। और इसको सब्जी, पकौड़े, पिज्जा, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और अब मैं तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि हमको गांव में आए हुए 2 दिन हो गए हैं और हमको अब जाना है वापस, और समय भी हो रहा है, इसलिए अब तैयारी हो रही है, अब हम मथुरा जा रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अब मैं चलता हूँ, काफ़ी एंजॉय किया है, वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे, और कोई नई वीडियो अच्छी सी बहुत जल्दी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है गाइस, बाय।